हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने के लिए शेयर कर रही हूँ। मैंने आपसे लास्ट व्लॉग्स में शेयर किया था, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, क्योंकि जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा वी विल गोना गो फॉर अ ट्रिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया है और हम जा रहे हैं उमरा पे। 3-4 दिन के बाद हमारी फ़्लाइट है, तो अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं उसकी कुछ शॉपिंग, कुछ तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब आया एहराम। इस तरीके की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उमरा की, वो लेने के लिए जा रहे हैं। तो हमें किसी ने बताया था कि मदीना ज़ायद शॉपिंग सेंटर जो अबू धाबी में, वहाँ पे काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है, तो अभी हम वहाँ जाते हैं, चेक करते हैं। और बेसिकली ये व्लॉग जो मैंने बनाया है वो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने के लिए बनाया था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द व्लॉग। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम लोग पहुंच चुके हैं मदीना ज़ायद शॉपिंग सेंटर, और यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम आते हैं। आई थिंक रेयरली कभी एक आध दफ़ा पहले आए होंगे, क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी दूर है। हमारा यहाँ पे इतना आना नहीं होता, इसके बिल्कुल बराबर में एक गोल्ड सेंटर भी है, तो हम पहले कभी गोल्ड सेंटर आए थे एक आध दफ़ा जब हमें कुछ लेना था। तो अभी बस हम लोग पार्किंग करते हैं एज़ यूजल हर जगह की तरह। यहाँ पर भी पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है, तो हम लोग पार्किंग का ही वेट कर रहे हैं। पार्किंग होती है तो अंदर जाके चेक करते हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल का मॉल है, जैसे अभी हमारे नॉर्मल मॉल्स होते हैं वैसा नहीं है। अबाए जो है यहाँ पे, वहाँ उनकी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है, सारे लेटेस्ट टाइप के अबाए यहाँ पे अवेलेबल हैं, कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ देखें एहराम अवेलेबल है और इधर ये सारे अबाए। हम लोग ये सोच के आए थे कि यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है, लेकिन इतनी भी कोई कम प्राइसेस नहीं है। जितनी नॉर्मल मार्केट में प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट उतनी ही है हर चीज़ की प्राइसेस। कोई बहुत ज़्यादा कम या डिफरेंस मुझे तो नहीं नज़र आया। व्हाट आर यू लुकिंग एट? यहाँ पे बैकपैक्स की भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है, तो मैं अपने लिए एक बैकपैक ढूंढ रही थी अगर मुझे अच्छा मिल जाए। हैं ये देखें, ये सारे नकाब जो ओमानी खवातीन लगाती हैं ना, अरब्स, ये वो हैं। मेरा और आइजल को यहाँ पे भी विंटर वंडरलैंड नज़र आ गया। आजकल जहाँ जाओ विंटर वंडरलैंड होता है, तो उनको बड़े मज़े आ जाते हैं। बट इट इज़ क्लोज्ड, इट इज़ ओनली फॉर डेकोर। आई थिंक अब जो है वो ये उतरने वाला होगा यहाँ से। और एहराम का मैंने आपको बताया नहीं, एहराम के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 45 दिरहम से स्टार्ट हैं, और फिर जितना फैंसी आप एहराम लें उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम जो चार्जेस हैं वो 45 दिरहम है। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और हम लोग जो है वो बच्चों के अबाए ढूंढ रहे थे, तो हमें फ़ाइनली एक शॉप पे बच्चों के अबाए मिल गए हैं। और अभी मैं जो हूँ वो अबाए का साइज़ जो है वो दे रही थी दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि जो है वो इतने छोटे बच्चों के अबाए बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसीलिए उसको थोड़ी सी ऑल्टरेशन की ज़रूरत थी। और बाकी आसम को बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि बच्चों के भी अबाए लो, तो इसीलिए हमने वो यहाँ से परचेज़ किए हैं। गाइस, हमने मेरा और आइजल का अबाया ले लिया है। जी, आपका भी आया है अबाया? आपका भी अबाया है? Yes. You will wear it? Yes. Where will you go? Allah hu. Aditi, humne is shop se liya hai abaya. Yahan pe dekhiye chote chote kandure bhi hain. Ye jo hai na, ye around 45 dirhams ka mila hai. 45 to 50 dirhams charges hain bachchon ke abaye ke. Waise mil jayega aapko jo day to days wagaira mein 20 25 kahin kahin mil jate hain, lekin इतने छोटे बच्चों के अवेलेबल नहीं होते, थोड़े बड़े बच्चों के अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल से हमें ढूंढ ढूंढ के मिले, वरना हमने बहुत सारी शॉप्स देखी, हमें छोटे बच्चों के कहीं नहीं मिले इतने छोटे बच्चों के। तो अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए ये वाले डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं। और ये वाला कलर मेरे कलर से बहुत मैच करेगा, लेकिन मैंने नहीं लिया, मुझे ब्लैक ही समझ आ रहा था। जल के साइज़ का बाया हमें नहीं मिला, तो हमने एक साइज़ बढ़ा लिया है, और अभी वो ऑल्टरेशन के लिए गया हुआ है। वो ऑल्टर होके आता है तो फिर हम आगे जाते हैं और मज़ीद दूसरी चीज़ें देखते हैं। ये छोटे से स्टॉल से मैंने कुछ जो है ना हिजाब मैग्नेट्स वगैरह लिए थे, अराउंड 7 दिरहम का मुझे एक मैग्नेट मिला था, तो 2-3 मैंने लिए थे। और ये देखें यहाँ पे इस तरीके से एहराम लिख के इन्होंने लगाया हुआ है कि ये वाला एहराम जो था वो 45 दिरहम्स का था, और फिर फैंसी वाले और ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 200 तक के भी थे। और बाकी अबाए की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा कलर्स थे। अबाए के जो चार्जेस थे वो अराउंड 100 दिरहम से स्टार्ट थे, तो 100 दिरहम्स के हिसाब से आप चेक कर लें कितने होते हैं। ये देखें सारी वैरायटी अबाया अवेलेबल है, लेकिन है ना थोड़े मेरी लाइकिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा फैंसी हैं जी।
ये देखें यहाँ पे इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। गाइस हमारी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई है, बेसिक सारी शॉपिंग हो गई है। अबाया एहराम टाइप की चीज़ें जो होती हैं, जो बेसिक्स होती हैं, वो सारी हमने ले ली हैं। और हमें तकरीबन 3 घंटे लगे हैं इस पूरी शॉपिंग में। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं अब, क्योंकि वॉक बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत बड़ा है। हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आते, बहुत रेयरली 1-2 बार ही पहले कभी आए होंगे, तो हम यहाँ से इतनी शॉपिंग नहीं करते, तो हमें पता भी नहीं था कि कौन सी चीज़ किधर मिलती है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हमें चीज़ें ढूंढने में। निगोशिएशन वाला बहुत ज़्यादा चक्कर है यहाँ पे, कि फिक्स प्राइसेस नहीं होती, आप निगोशिएट करें जैसे यूजुअल वेंडर से होते हैं। नॉर्मल वाले मॉल्स की तरह नहीं है कि फ़िक्स प्राइस हो, तो उसमें फिर वो हैगलिंग और ये वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एनीवेज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम सारा हो गया है आज। इनके अपने गेम चल रहे हैं, लेट्स गो गाइज। अब हम लोग जो है वो डिनर के लिए आ गए हैं, जो शॉपिंग से फारिग होके, तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, 12 बज गए हैं अराउंड। तो हम लोग जो है वो आ गए हैं कबाब जान रेस्टोरेंट करीब था, तो इसीलिए यहाँ पर आ गए। और थैंकफुली ओपन भी था, इनकी जो है वो वैले पार्किंग भी है, तो इसीलिए फिर अब हम यहाँ आ गए। यहाँ पर अब हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। हर दफ़ा हम इनके जो है वो राइस प्लेटर्स ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कढ़ाई ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों से सुना था कि यहाँ की कढ़ाई और बारबेक्यू वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग वो चेक कर रहे थे कौन सी ट्राई करें, तो आसिम और मैंने डिसाइड किया था कि हम इनकी चर्सी कढ़ाई ट्राई करते हैं। तो अभी हम लोग बस वही ऑर्डर कर रहे थे। कबाब जान हम लोग काफ़ी बार पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मैंने इनका स्पेशली कोई अलग से व्लॉग नहीं बनाया। मैं एक फुल वीडियो कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम बनाने की। और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। वेटिंग चल रही है अभी हमारे खाने की, क्योंकि कढ़ाई जो होती है वो फ्रेशली प्रिपेयर होती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम बस उसी का वेट कर रहे हैं। फाइनली जो है वो हमारी कढ़ाई 20 मिनट्स के बाद आ गई थी, और कढ़ाई वाज लुकिंग रियली नाइस। ये देखें, ये कढ़ाई की शक्ल आपको नज़र आ रही है। एंड कढ़ाई वाज अमेजिंग, बहुत अच्छी कढ़ाई थी, मस्ट ट्राई। जर्सी कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी और बहुत बहुत अच्छी कढ़ाई थी। बहुत कम जो है ना कढ़ाइयाँ मुझे पसंद आती हैं, बहुत अच्छी कढ़ाई थी। खाने के बाद हमने ऑर्डर कर दिया डिज़र्ट। डिज़र्ट में गुलाब जामुन हमने ऑर्डर किए हैं, और बस ये खा के निकलेंगे घर के लिए। The next day. गाइस हम लोग जो है वो शूज़ लेने आए हुए हैं, और शूज़ पे जो है वो काफ़ी अच्छी सेंटर पॉइंट पे सेल लगी हुई है। आसिम जो है वो शूज़ साइजेस चेक कर रहे हैं। गाइज हमारे शूज़ हमारे फाइनल हो गए। मेरे और आइजल ने बड़ा तंग किया है, खुद ही चूज़ कर रही हैं शूज़ के कौन से चाहिए कौन से नहीं। आइजल का तो मैंने अपनी पसंद से ले लिया, लेकिन मेरा नहीं मानी, मेरा ने अपनी ही पसंद की है। और आई डिडंट वांट टू टेक ब्लैक, लेकिन उसको ब्लैक ही चाहिए था। गाइज अभी हम लोग आ गए, मैंने जो है वो अपना बाया अल्टर कराना था, तो वो अल्टर कराने के लिए हम आ गए। और वेलकम बैक गाइज, तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? वैसे मैंने कोई ये प्लान करके व्लॉग नहीं बनाया था, बस छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि आई वांटेड टू शेयर दिस न्यूज़ विद माय यूट्यूब फैमिली आल्सो। वैसे तो जो है वो हमारी इमीडिएट फैमिलीज़ को और क्लोज फ्रेंड्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन मुझे अपनी जो है वो यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करनी थी न्यूज़, ऑफ दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग। और मैं पैकिंग करी थी, पैकिंग आपको दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँची है मेरी। ओके गाइस, तो हमारी जो है ना पैकिंग चल रही है अभी, मैं जो हूँ वो पैकिंग कर रही हूँ। ये एहराम है आसिम का, और मैं ब्रेकअप तो मैंने नहीं अभी बनाया है कि मैं क्या लेके जा रही हूँ क्या नहीं, लेकिन जब मैं वापसी आऊँगी इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या लेके गई थी क्या नहीं। ये मैं जो हूँ वो एक रख रही हूँ स्टीम आयरन, क्योंकि आयरन की ज़रूरत होगी, वैसे तो होती है होटल्स में, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन रख रही हूँ। उसके अलावा मैं जो हूँ वो एक इलेक्ट्रिक कैटल भी लेके जा रही हूँ एहतियातन, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैं रख रही हूँ क्या नहीं। तो ये अभी आधी पैकिंग भी नहीं हुई है, अभी बहुत सारी पैकिंग रहती है, लेकिन वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकिंग तो नहीं करनी। और पैकिंग की मैं डिटेल वीडियो भी अभी नहीं बना रही, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या अंडर पैक करी हूँ और क्या ओवर पैक करी हूँ। तो जब मैं वापसी आऊँगी या फिर मैं जब वहाँ पे आऊँगी, तो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी आपसे डिटेल्स की क्या चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए और क्या चीज़ें मुझे लगेगा कि ज़रूरी नहीं थी। तो ये डिटेल्स मैं आपसे लाजमी शेयर कर दूँगी जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो।
और बस कल हमारी फ़्लाइट है इंशाल्लाह ताला, पैकिंग अभी फ़ाइनल हो जाएगी। तो अब आगे के ब्लॉग्स आएंगे सऊदीया से इंशाल्लाह ताला, अगर मैं मैनेज कर सकी तो अपनी बादात के साथ, तो मैं लाजमी जो है वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जिससे जो है वो आपको लाजमी कोई ना कोई बेनिफिट होगा। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़ फ्राम सऊदीया, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी बहुत ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों को अपनी बहुत बहुत ख़ास दुआओं में याद रखूंगी। जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं आप सबके लिए मैं दुआ करूंगी, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आप लोगों की कोई ख़ास दुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई राइट डाउन योर नेम, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन।